नमस्कार साथियों, मैं आज आपके सामने बहुत ही दर्द के साथ, दुख के साथ कुछ बात आपने सामने रखना चाहता हूँ। दुनिया में इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा और कीमती कोई चीज़ नहीं हो सकती है। दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी दौलत, दुनिया की कोई भी सरकार, अगर इंसान की जान चली जाती है तो उसे वापस नहीं ला सकती है। और इसीलिए ज़िंदगी की सुरक्षा सबसे अहम मानी जाती है। पंजाब जो इस देश में तरक्की के मायने में, फौज में सेवा के मायने में, राष्ट्रभक्ति के मायने में सबसे आगे, और पंजाब की अपनी एक पहचान बनी हुई थी उस पंजाब में, कुछ दिनों से जो हालात बने हैं लॉ एंड ऑर्डर के, उसके ऊपर सबको दर्द है। कल जो घटना घटी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो सरकार की अपनी गलती, एक पब्लिसिटी स्टंट, बचकानी बातें, और उसको चलते इस देश का एक ऐसा यूथ आइकॉन जिसने ना सिर्फ मूसे वाले अपने गांव का, पर पंजाब और हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया था। ऐसे सिद्धू मूसे वाले जी ने अपनी जान गंवा दी। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने, कुछ तथ्य रख के, जो दिल्ली में बैठ के पंजाब की सरकार चलाते हैं उस केजरीवाल जी से भी कुछ सवाल करना चाहता हूँ, जिनके पास एक लंबी उम्र थी, जिनका एक उज्जवल भविष्य था। इस देश की रॉ ने कहा था, इस देश की सेंट्रल आईबी ने कहा था कि सिद्धू मूसेवाला जी के ऊपर खतरा है और उनको सुरक्षा दी गई थी। उस सुरक्षा को हटाने का काम पंजाब सरकार ने किया। जब किसी को भी सुरक्षा मिलती है तो उसके ऊपर एक आईबी का असेसमेंट होता है, और आईबी के असेसमेंट के बाद सिक्योरिटी मिलती है। अगर उसमें बढ़ोतरी करनी है वो भी आईबी का असेसमेंट होता है, और उसकी पूरी असेसमेंट की एक प्रोसीजर चलती है। और अगर किसी की सिक्योरिटी कवर को कम करना है तो उसके लिए भी एक इंटेलिजेंस ब्रांच का असेसमेंट होता है। मेरा सवाल पहला ये है कि कौन सी आईबी के कौन से असेसमेंट की वजह से सिद्धू मूसेवाला जी की सिक्योरिटी को डाउनग्रेड किया गया? जवाब दें सरकार। किसी को भी सिक्योरिटी मिलती है इसका मतलब उसके ऊपर थ्रेट है, और जब उसकी सिक्योरिटी का कवर कम किया जाता है या हटाया जाता है तो उसकी पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। क्या वजह थी कि आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पे सिद्धू मूसेवाला जी की सिक्योरिटी हटाई गई उसकी पब्लिसिटी की, और कैसे जो चीज खुफिया रहनी चाहिए वो चीज एक पॉलिटिकल पार्टी के पब्लिसिटी स्टंट के लिए कैसे यूज हुई? और यही वजह होती हुई होगी कि जो इनको मारना चाहते थे उनको आपने इन्फॉर्मेशन दी कि अब इसका सिक्योरिटी कवर हट गया है, आप इसको मार सकते हो। और इसके बाद जब
ये घटना घटती है, तो उसके बाद बिना सोचे समझे आम आदमी के पार्टी के नेता कह देते हैं कि सरकार ने इसको बुलेट प्रूफ गाड़ी दी थी। असल में सरकार ने कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं दी थी, अपनी अपनी सुरक्षा जब सरकार ने दी और कहा कि आईबी की थ्रेट है, तो सिद्धू मूसेवाला जी ने खुद के पैसों से बुलेट प्रूफ गाड़ी बनाई थी। इनकी सिक्योरिटी हटाने के बाद नेचुरली ये कोई भी समझता है कि जब असेसमेंट के बाद ही हुआ होगा, तो ये कौन सा असेसमेंट हुआ था ये हम जानना चाहते हैं। ये भी कहा गया सरकार का और से पहले फिर माफी मांगी गई, पहले कहा गया कि गैंग वॉर। अब सिद्धू मूसेवाला जी एक यूथ आइकॉन को मृत्यु के बाद इस तरह की बात करने वाले ने फिर अपना टोन आज बदल के माफी मांगी है, तो यही दिखाता है कि ये कोई गंभीरता से सीरियसली पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को नहीं देखा गया। ये घटना घटने के बाद तुरंत, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हर वर्कर हमारे लिए एक परिवार है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे कांग्रेस पार्टी के लेजिस्लेटिव विंग के लीडर और हमारे नेता लोग उस परिवार के साथ दुख में जाके खड़े रहे। पूरा देश स्तब्ध था, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला जी ने इस देश का, पंजाब का नाम रोशन किया, एक ऐसा यूथ आइकॉन, एक ऐसा कलाकार जिसके ऊपर सबको नाज था। जब ये घटना घटी आज दिल्ली के अंदर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार की लापरवाही के खिलाफ एक आक्रोश था, और हमने दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे एक विरोध प्रदर्शन भी दिल्ली में किया है। हम मांग करते हैं जो परिवार है उस परिवार के साथ अपने आप को जोड़ के, क्योंकि ये कांग्रेस का परिवार है, उस परिवार ने एक होनहार बेटा गंवा दिया है। दुनिया की कोई भी दौलत इंसान की जान की कीमत नहीं लगा सकती है। हम मांग करते हैं, जो परिवार ने भी मांग की है, कि सिटिंग जज के जरिए इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन। कोई हाईकोर्ट जज नहीं कर सकते हैं, वो निगेबानी कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, और इन्वेस्टिगेशन के लिए हम मांग करते हैं कि जो इस मामले में गहराई तक जाना होगा, कई सारे स्टेट के अंदर भी देखना होगा, और हो सकता है देश के बाहर कहीं इसके तार जुड़े हैं, तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। तो हाईकोर्ट जज की इंक्वायरी, निगेबानी और सीबीआई या एनआईए के ज़रिए इसका इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि कुछ चीज़ें जो हर देशवासी के दिल में हैं, सिर्फ हमारा सवाल नहीं है कि किस आधार पे, जब रॉ ने भी कहा था कि इसकी जान का खतरा है, तो किस आधार पे पंजाब सरकार ने उसकी, सिद्धू मूसेवाला जी की सिक्योरिटी डाउनग्रेड की, कम की और हटाई, वो किसके आधार पे इसका इन्वेस्टिगेशन हो। सही में जो इसके सीधे मर्डरर है और कॉन्स्पिरेटर्स हैं, पर्दे के पीछे है, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उस परिवार को न्याय मिले, और इसके लिए हमारी ये मांग है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन सीबीआई या रॉ करे अंडर द सुपरविजन ऑफ द हाई कोर्ट सिटिंग जज। जो परिवार ने भी मांग की है उसकी हम भी मांग करते हैं। मैं एक दूसरे मुद्दे पर भी
आपके साथ बात करना चाहता हूं। 8 साल भाजपा सरकार के खत्म हुए और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें और इतनी तारीफें की सरकार की कि सुनता भी दीवाना, कहता भी दीवाना, वो साफ दिखता हो और जो रियल इश्यूज है उसको तो छुआ तक नहीं। मेरा सवाल है जेपी नड्डा जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के हैं, कि आपने लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जवाब तो दीजिए। आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, आपकी नौकरियां मिली तो नहीं, जिनकी थी उनकी छिन गई। आप बताइए तो सही कि आपने सरकारी नौकरियों में इतने रिक्त स्थान क्यों रखे हैं? आप बताइए तो सही कि आज तक की सरकारों ने जो पूंजी जमा कर करके बड़े बड़े PSUs बनाए थे, आप उसको बेच के खा रहे हो और उस सरकारी नौकरियां लोग गंवा रहे हैं, उसके ऊपर 2 लफ्ज बोल देते अच्छा रहता। महंगाई की मार से लोग परेशान है। कभी भी कांग्रेस के UPA 1 और UPA 2 का एवरेज देख लो, $100 पर बैरल से एवरेज कच्चा क्रूड हर वक्त ऊपर रहा, पर पेट्रोल डीजल कभी 100 रुपया नहीं छुआ था। आपके शासन में एवरेज देख लो, हर वक्त 8 साल में $100 पर बैरल से नीचे रहा है, तो पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपये क्यों? LPG गैस इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हुआ और फिर भी 400 रुपये का गैस का सिलेंडर 1000 रुपया क्यों हुआ? जवाब तो दे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले। आज के प्रधानमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वीडियोज मिल जाएंगे, सोशल मीडिया में वायरल भी होते हैं, वो कहते थे कि जब रुपया गिरता है तो समझ लो मित्रों दिल्ली की सरकार की इज्जत गिर रही है। आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा रुपया गिरा तो आपके इस 8 साल के शासन में गिरा। तो स्वीकार तो कीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दिल्ली की सरकार की इज्जत इस 8 साल में रिकॉर्ड ब्रेक गिरी है। आप किसान के लिए कहते थे आमदनी दुगनी, अब खर्च दुगना हो गया, आमदनी 58 खर्चा रुपया, वो हालत आपने कर दी है। उज्ज्वला योजना की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, पर आपका ऑडिट किया है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने, CAG ने खुद कहा है कि उज्ज्वला योजना आपकी फेल है। जो एक बार सिलेंडर दिया वो रिफिल नहीं करवा पाते हैं क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। 60 किलोमीटर दूर सिलेंडर लेने जाना किसी के बस का नहीं, और दूसरा उनको आप इतना महंगा सिलेंडर देते हो तो वो लकड़ियां मुफ्त में लाके गरीब परिवार फिर से लकड़ियों का चूल्हा जलाता है, आपका उज्ज्वला का सिलेंडर नहीं यूज होता है, इसके ऊपर तो बोलना था। इस हमने कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले ही कुछ सवाल रखे थे, उसको मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छा तो ये होता कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे किसी एक सवाल का कम से कम जवाब दे देते हैं। आपका कोई सवाल होगा तो उसका स्वागत रहेगा। मैं ही चोर, मैं ही कोटवाल,
मैं ही न्यायाधीश, ये करना चाहती है वहां की सरकार। जब आपने गलती की है तो आपकी जांच आप कैसे करोगे? सीधा सवाल है कि जब आप खुद आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया पे ये पोस्ट डालते हो, क्या जरूरत थी? जवाब तो दीजिए। इसका मतलब साफ है कि आप एक पब्लिसिटी स्टंट करना चाहते थे, और पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए आपने सुरक्षा हटाई और वो स्टंट किया जिसकी वजह से एक होनहार युवा साथी की, जो कांग्रेस का कैंडिडेट रहा, जिन्होंने एक सॉन्ग बनाया था गद्दार, जिसको लेके आम आदमी पार्टी बहुत खफा हुई थी उनसे, क्या उस गाने का बदला लेना चाहते थे कि ये लगाया था? ये इसकी सही जांच कैसे होगी? उनकी बनाई एसआईटी उनके खुद के करतूतों की जांच कैसे करेगी, और कैसे हलफनामा एफिडेविट सही होगा? इसीलिए हम मांग करते हैं कि ये इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन का मामला है, चोर खुद ही कोटवाल, खुद ही न्यायाधीश नहीं बन सकता। राज्यसभा इज द अपर हाउस, एंड इन द अपर हाउस ऑलवेज द कांग्रेस पार्टी ट्राई टू सी दैट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल द कॉर्नर, द परफॉर्मेंस ऑफ द मेंबर इन द अपर हाउस विच कैन रेज द रियल इश्यूज ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, और लुकिंग टू ऑल द फैक्टर्स द नेम्स always been selected by the Congress High Command after consulting the various groups. So this time also, if you look at the reaction from the various corners, people are appreciating. देखिए, ऐसा है कि घोड़ा जो होता है उसके ऊपर जो बैठने वाला है वो कैसा है उसको घोड़ा पहचान लेता है, और घोड़ा उसको देख के अपनी चाल चलता है। प्रशासन भी ऐसी ही चीज़ है कि उसके ऊपर चालक कौन बैठता है। अगर प्रशासन का चालक ठीक होता है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहता है, पर अगर प्रशासन का चालक गिमिक्स और जिसे सीरियस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कहते हैं पर एक मजाकियापन हो जाता है, जब आप पब्लिसिटी स्टंट के लिए मैं कुछ नया कर रहा हूँ ऐसा करके लोगों की वोट बैंक को ही देखते हो और एडमिनिस्ट्रेशन को छूट में दे देते हो, तब लॉ एंड ऑर्डर हाथ से फिसलता है। पंजाब में आज लॉ एंड ऑर्डर, सिद्धू मूसेवाला जी एक बड़ा हादसा है, पर पहले से आप देख लीजिए कि जो लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहा कांग्रेस के शासन में, कभी दिक्कतें नहीं आती थी, लोग सुरक्षित, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार उसको ठीक से पब्लिसिटी स्टंट नहीं, सीरियसली एडमिनिस्ट्रेशन चलाती थी। और आज ये नहीं हो रहा है, इसलिए अब देखिए कि रिलीजियस ग्रुप के बीच में झगड़ा होता है, पुलिस अफसर हर दिन मारे जाते हैं, फायरिंग्स होती हैं, ग्रुप के क्लैशेस हो रहे हैं, और यूथ आइकन हमारे मूसेवाला जी जैसे लोगों की भी दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, पुलिस ऑफिसर की हत्या होती है।
तो यही दिखाता है कि लॉ एंड ऑर्डर ध्वंस हो गया है वहां। देखिए ये हमारे वहाँ के इंचार्ज और उसके बीच का मसला होता है, और आप जानते हो कि मुख्यमंत्री जी भी आके मिले थे, तो कुछ चीज़ें होती हैं जब आप आपस में साथ मिलके सरकार चलाते हो तो वो वहाँ के इंचार्ज और वो मिलके करते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो पार्टी के लिए जब गठबंधन का भी एक मजहब होता है उसमें दोनों मिलके करते हैं। No, I have not said the capability. I have said that all the factors are considered by the Congress High Command, and Congress always try to make sure that it's an upper house, and looking to that upper house, that stretcher of the upper house. I'm not saying we have a galaxy of leaders. We have a galaxy of leaders, and there are so many talented and good who deserves the Rajya Sabha. But in limited numbers, when you will have to decide, you cannot accommodate all your good leaders. We have galaxy of leaders. We have more powerful, intelligent leaders compared to Bharatiya Janata Party and all the parties who are in NDA. But when you have a limited numbers, you cannot accommodate everyone. And whoever is not accommodated in the Rajya Sabha, it doesn't mean they are not intelligent. They don't deserve. They don't have the capacity. They are our family members, and I am sure, not today, tomorrow, you will see that they will get what they deserve.